नंबर वन राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को दिजा विपर्जय महामारी परिचालना तालीम। विपर्जय महामारी परिचालना राज्यर समस्त सरकारी कर्मचारी को दिजा तालीम। यह तालीम पाठ्यक्रम विकसित हो एने एक त्रिपाक्षिक बुझापत्र स्वाक्षरित हो राज्य मंत्रिपरिषद पक्ष एने एक ऐतिहासिक निष्पत्ति। राज्य मुख्य शासन सचिव आरंभ कर ग्रुप डी पर्यंत समस्त कर्मचारी को विपर्जय और महामारी परिचालना संबंधी ट्रेनिंग प्रदान होष्पत्ति अनुसाई विपर्जय महामारी परिचालना संबंधित पाठ्यक्रम विकसित करा। ग्रुप डी स्तर समस्त कर्मचारी जो कोर्स निर्धारित हो क्रमगत भाव में वृद्धि हो ग्रुप ए स्तर कर्मचारी उक्त कोर्स को समाप्त करेंगे। एथपी ओडिशा राज्य विपर्जय परिचालना कर्तृपक्ष ओएसडीएमए ओडिशा राज्य मुख्य विश्वविद्यालय अस संबलपुर उच्चशिक्षा विभाग सहभागित एक त्रिपाक्षिक बुझापत्र स्वाक्षरित हो। नंबर टू गणशिक्षा विभाग निष्पत्ति युक्त दुई एडमिशन आवेदन तारीख वृद्धि। राज्यर छात्र छात्री एक बड़ खबर युक्त दुई नामलेखा आवेदन तारीख वृद्धि पाई। पूर्व युक्त दुई छात्र छात्री आवेदन तारीख जून 20 रु जून 26 पर्यंत वृद्धि करा। तेब यह राज्य विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर पुणी एक बड़ निष्पत्ति। सूचना मुताबक नूतन भाव में स्वीकृति पाई उच्च माध्यमिक स्कूल मानक छात्र छात्री को पाठ पढ़ार सुजोग देवाई अभिभावक अनुरोध क्रमे विद्यालय और गणशिक्षा विभाग पक्षर एकादश श्रेणीपाई साम्स पोर्टाल साम्स ओडिशा डट जीओवी डट जिन अरिया आवेदन तारीख को जून 26 रु 30 पर्यंत वृद्धि करा। प्रथम पर्याय एडमिशन जुलाई 7 रु आरंभ हो जुलाई 13 रे सरीब। द्वितीय पर्याय मेधातालिका जुलाई 19 तारीख में प्रकाश पाइब और जुलाई 22 सुधा एडमिशन प्रक्रिया समाप्त हो। सीप्री अनलाइन स्पॉट एडमिशन प्रक्रिया जुलाई 21 रु आरंभ हो 27 रे सरीब। परिवर्तित सूची अनुसार अगस्त मास 1 तारीख में एकादश श्रेणी पाठ पढ़ा आरंभ हो। नंबर थ्री दिग पहुंटी मर्मन्तुत दुर्घटना 12 मृतकों लगे सहायता राशि घोषणा। गंजाम जिला दिगपहंटी ब्लक अंतर्गत मऊला फणचा छक घटी दुर्घटना पीड़ित लगे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक सहायता घोषणा कर मृतकों निकटतम आत्मीयों पर 3 लाख टंकार अनुकंपा सहायता राशि घोषणा कर आहतों पर उपयुक्त चिकित्सा प्रदान लगे निर्देश मुख्यमंत्री। कल भोरु गंजाम दिगपहंटी होता बस दुर्घटन किसी लोकों मृत्यु घटन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक गभर शोक प्रकाश मृतकों निकटतम संपर्कों पर मुख्यमंत्री रिलीफ पांठि 3 लाख टंका अनुकंपामूलक सहायता घोषणा कर शोक संतप्त परिवारवर्ग को गभर समबेदना जन। दुर्घटन आहत मानक मागणे उपयुक्त चिकित्सा जोगाई देवा मुख्यमंत्री निर्देश देवा सहित सेमकर आशु आरोग्य कामना कर। सूचनाजोग्य गंजाम जिला दिगपहंडी में दुई बस मध्य मुहांमुही थका हेबर 12 जन छात्री मृत्यु होता जनाई। नंबर फोर एणिकी रविवार खोला रही डाक्तरखाना परिसर निकट आहार केन्द्र। राज्यर डाक्तरखाना परिसर निकट आहार केन्द्र गुड़िक एणिकी रविवार दिन में खोला रही है। एने गृह और नगर उन्नयन विभाग तरफ समस्त महानगर निगम कमिशनर तथा सिटी आहार समिति सभापति और जिलापा तथा जिला आहार समितर सभापति अवगत करहित पदक्षेप ग्रहण करने को कहा। प्रकाश था कि राज्य में 167 आहार केन्द्र रही है से 82 केन्द्र डाक्तरखाना परिसर में रही है। 82 58 रात्रिकालीन खाद्य परेषण सुविधा रही है। यह सब केन्द्र मान डाक्तरखाना आसुवा रोगी परिवार लोक कि अटेडाट मैंने उकृत होता। यह 82 केन्द्र में दैनिक हाराहारी 48,000 लोक उकृत होते। रविवार केन्द्रगुड़िक बंद रोथवर से असुविधार सम्मुखीन होते। एने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग तरफ गृह और नगर उन्नयन विभाग दृष्टि आकर्षण कर आहार केन्द्र गुड़ी रविवार दिन मानक खोला करने को अनुरोध कर। नंबर फाइव 29 तारीख जाए काचिप वर्षा 11 जिला को जारी है ऑरेंज वार्निंग। सक्रिय लघुचाप प्रभाव में राज्य में वर्षा जारी रही है। तेज यही कारण 29 तारीख जाए प्रबल वर्षार संभावना रही है। प्रबल ऋतु प्रबल वर्षा नहीं 11 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर। सूचना अनुसाई ऑरेंज वार्निंग कर जिलागुड़ी है झारसुगुड़ा परगड़ सुंदरगढ़ संबलपुर नुआपड़ा बलांगीर बौद्ध सुवर्णपुर अनुगुल देवगड़ केन्दुझर जिला। सचेतन रहा आंचलिक पापाग विभाग सूचना देते रविवार उत्तर पश्चिम बंगोपसगर लघुचाप सृष्टि पंगोपसागर तथा उत्तर ओडिशा और पश्चिम उपकूल सृष्टि होते। पूर्व मौसुमी वायु प्रवेश सहित लघुचाप अधिक सक्रिय होती कहुचाला जो 37 तारीख जाए प्रबल वर्षा होली हेले वर्तमान पाणीपाग विभाग 29 तारीख पर्यंत वर्षा होगा लगी संभावना प्रकाश कर। नंबर सिक्स मृताहतों लगे सहायता राशि घोषणा कले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। गंजाम जिला दिगपहंटी में घटी मर्मन्तुत दुर्घटन मृताहतों लगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहायता घोषणा कर मृतकों निकटतम आत्मीयों पर 2 लाख टंकार अनुकंपा सहायता राशि घोषणा कर आहतों पर 50,000 टंका प्रदान लगे निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी। प्रधानमंत्री रिलीफ पांठि यह सहायता राशि प्रदान होने मृतकों परिवारवर्ग को समबेदना जन। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और स्वराष्ट्रमंत्री
अमित शाह तेना दुर्घटना को नहीं केन्द्र शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान गभीर शोक प्रकाश करते निजर शोकवार्तार गंजाम जिला तिक पहंडे मर्मन्तुत सड़क दुर्घटना मृताहत होगा खबर शुणी मुझ दुखित और मर्माहत आहत आशु आरोग्य कामना करुचे महाप्रभु शोक संतप्त परिवार को असीम धैर्य और साहस प्रदान करतु ठीक से मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक सहायता घोषणा कर मृतकों निकटतम आत्मीयों तीन लक्ष टंकार अनुकंपा सहायता राशि घोषणा कर नंबर सेभेन एकाम्रा प्रकल्प पर भूमिपूजन आरंभ 28 तारीख से शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री एकाम्रा प्रकल्प पर कालीठ भूमिपूजन आरंभ हो समृद्ध सांस्कृतिक ऐतिह्य और परंपरा आधारित तो प्रकल्प पर तीन दिन पूजा चलो एथपी आध्यात्मिक परेश सृष्टि आयोजन होती विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आसंता 28 तारीख से एकाम्रा प्रकल्पर शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक आज यज्ञ गजपति महाराजा दिव्य सिंहदेव जोगदेव आलोकमाला सज्जित हो लिंगराज मंदिर अनंत वासुदेव मंदिर मुक्तेश्वर मंदिर बिंदुसागर और अन्य मंदिर श्री लिंगराज मंदिर में प्रस्तुत होती विराट यज्ञस्थल सन्धार अंकुर रोपण पर रात 11 मंडलकरण आज भोर 4 चलाधिपाश 6:30 मंदिर और यज्ञपति प्रत्यक्षण होपर घट और दीपस्थापन गुरु पूजन पंचामृत पंचगव्य शोधन कर सूर्य पूजा सह आरंभ हो यज्ञ आसंता तीन दिन धरी बीएमसी मार्केट कम्प्लेक्स स्काय प्रोजेक्शन आलोक और शब्द प्रदर्शन सह नृत्य आयोजन कर नंबर 8 आपण मानक सुख दुख बुझाक मु सचिव को पठाई सभार मुख्यमंत्री ऑडियो बार्ता शुणिले 5T सचिव कल बरगड़ कस्तर थी 5T सचिव फेके पांडियान एक सभार जोगदेव अवसर में मुख्यमंत्री बार्ता लोक शुणाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक बरगड़वासी को शुभेच्छा जनवा सह संबलपुरी भाषा लोक बार्ता देते अवसर में से लोकों सुख दुख बुझाक सचिव पांडियान बाबू को पठाई लोक सब प्रकार समस्या समाधान पर आपण मानक पांडियान बाबू को पठाई बोली नवीन निज बार्तार बरगड़ निशामणी हाईस्कल पड़िया आयोजित जनसभा ईओटीओ शुणाई 5T सचिव सेपटे का उत्कल विश्वविद्यालय चतुर्दिनी परीक्षा फल प्रकाश पाई उत्कल विश्वविद्यालय अनुबंधित महाविद्यालय गुड़िकर स्नातक शेष सेमिस्टर 2023 नियमित और ब्याक परीक्षार्थी मानक परीक्षा फल प्रकाश पाई नंबर 9 दिगपहंडी दुर्घटना सब मृतक होती पूर्वतन सांसद रेणुपाला प्रधान संपर्क गंजाम जिला दिगपहंडी सड़क दुर्घटन चली जाइए 12 जन जीवन हेल्ली 12 जन होती पूर्वतन राज्यसभा सांसद रेणुपाला प्रधान संपर्क एवं भी दुर्घटना को नहीं निजर परिवार लोक संपर्क मान मन पक कांद पूर्वतन सांसद रेणुपाला प्रधान कहते मृतकों मधे दिवर झिरी ज्वाई और नणदी रही बहुत हसखुशी से झील पिता करते राति अथर सब शेष होगा यह घटना घटे भावि नए उल्लेख्य दिगपहंडी में घटी मर्मन्तुत दुर्घटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी स्वराष्ट्रमंत्री अमित शाह केन्द्रमंत्री धर्मेन्द्र प्रधान और मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक प्रमुख गभीर शोक प्रकाश करते मृताहत लगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सहायता घोषणा करते मृतकों निकटतम आत्मीयों पर 2,00,000 टंकार अनुकंपा सहायता राशि घोषणा करते छड़ा आहतों पर 50,000 टंका प्रदान लगे निर्देश प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी नंबर 10 को जवा पूर्व आपण मानक अनुरोध भिडियोट शेष पर्यंत देखु कारण भिडर शेष रही आज राशिफल कितु तापूर्व भिडियोट लाइक कर दिंतु कारण आपंकर गोटे छोट लाइक आमक नूतन भिडियो बनवाई प्रोत्साहित करें साथ क्यों जिलूर भिडियोट देखुं कमेंट बक्स में निश्चय लिखु नंबर 10 श्रीमंदिर भितर भिडियो भाइराल मामला 3 सुधा हाजर निर्देश श्रीमंदिर भितर रिल्स भिडियो भाइराल घटन अभियुक्त रोहित चौसला विरोध में मामला रुजु कर सिंहतरा पुलिस आसंता जुलाई 3 तारीख सुधा सिंहतरा थाना हाजर होगा निर्देश दि जाए रोहित चौसल 1973 नाँ से इनस्टाग्राम पोस्ट होडियो रथजात्रा पर श्रीमंदिर भितर रही भिडियो भाइराल कर रोहित निजे भिडियो को सोशल मीडिया अपलोड कर सूचना मिली थाना हाजर ना रोहित विरोध में दृढ़ कार्यानुषान ग्रहण कर पूजार्चना आप्रे ठकी अभियोग मामलें तीन अभियुक्त को सिंहतरा थाना हाजर होगा निर्देश दिला पुलिस अभियुक्त है सुरजित बासु सीओ प्रजत सामंत चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर अंकिता दे समस्त तीन जन जुलाई 3 तारीख सुधा थाना हाजर होगा निर्देश दि जाए नंबर 11 राज्य मानक स्वतंत्र सहायता राशि मंजूर कला केन्द्र ओडिशा को मिलला एति की कोटी पुंजनिवेश राज्य मानक केन्द्र स्वतंत्र सहायता मंजूरी देवा खबर सामना को आसी एडिशा 4,528 कोटी टंका स्वतंत्र सहायता मंजूर कर सूचना अनुसार 2023-24 वर्ष पर 16 राज्य को 56,415 कोटी टंका मंजूर करते अर्थ मंत्रालय योजना अधीन सर्वाधिक परिमाण बिहार को 9,640 कोटी मध्यप्रदेश को 7,850 कोटी पश्चिम बंग को 7,523 कोटी
राजस्थान को 6026 कोटी, तमिलनाडु को 4079 कोटी, कर्णाटक को 3647 कोटी, गुजरात को 3478 कोटी एवं छत्तीसगढ़ को 3195 कोटी टंका मिलिबो। सेपटे राजस्थान सरकार अशोक गहलोत राज्यर महिला मानक पई का खुशी खबर आनी पाखापाखि 40 लाख महिला को स्मार्टफोन बंटाचे। गहलोत मागणारे स्मार्टफोन बांटा कथा कहवा सह महिला मानक 3 वर्ष पर्यंत फ्री इंटरनेट सेवा दिजा कथा कहते। नंबर 12 सीमा सेपटा सामरिक कार्यानुष्ठान नेपाकु पछि पनि भारत कहिले राजनाथ। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को नेतृत्वाधीन भारत आ पूर्वपरि नाही निजर सीमार सुरक्षा करिबाकु भारत सीमा सेपटे निर्णायक सामरिक कार्यानुष्ठान नेपाकु पछि पनि बोली कहिछन्ति प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जम्मू विश्वविद्यालय अनुष्ठित कार्यक्रम में जगदी राजनाथ कहिछन्ति जे मोदी सरकार आतंकवाद विरोध में दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करुछन्ति। सर्जिकल स्ट्राइक ओ एयर स्ट्राइक उदाहरण दी से यह कहते पुलवामा और उरी आक्रमण दुर्भाग्यजनक घटना था किंतु सर्जिकल संपर्क निष्पत्ति नाकु प्रधानमंत्री मोदी मात्र 10 मिनट नहीं नथिले जहाँकि दृढ़ इच्छाशक्ति को दर्शाए बोली से कहते। आतंकवाद ए देश में हजार हजार निरीह लोकों जीवन नहींचे एपरिक आम थे पाकिस्तान को आतंकवाद प्रभावित देश भाव में विचार करार भूल करूँ किंतु एवं मोदी नेतृत्व में भारत बदली जाए और सामरिक कार्यानुष्ठान नेपा पछाऊ ना। नंबर 13 दिल से पूरा लगता है डायलॉग कहता शिशु कमेडियन का परलोक। मनोरंजन धर्मी दुनिया रु आसी एक दुखद खबर। दिल से पूरा लगता है डायलॉग माध्यम से कोटि कोटि लोकों मन को जीति पारि शिशु कमेडियन आऊ ना निजर कमेडी भिडियो बेस परिचित था छत्तीसगढ़ जनाशुना कमेडियन देवराज पटेल आऊ ना। एक सड़क दुर्घटना देवराज मृत्यु घटी जनापड़े। देवराज अचानक मृत्यु को नहीं प्रशंसकों महल में निराशा खेली जाए। देवराज मृत्यु खबर पाई छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गभीर शोक व्यक्त कर कम बयस दुनिया को छाड़ी चली जाता एपरी अद्भुत शिशु प्रतिभा को आमर आत्मार सदगति कामना करने सहित बघेल देवराज को एक भिडियो सेयार करते। देवराज महासमुंड जिले में रोते हैं भिडियो सुटिंग कारण से अधिकांश समय रायपुर रोते जड़े अभिनेता कमेडियान यूट्यूबर भाव अल्प बयस देवराज खूब सुनाम अर्जन कर पारे। रायपुर को जवा समय छत्तीसगढ़ से एक भयंकर सड़क दुर्घटना शिकार होते। नंबर 14 प्रबल वर्षापाई हिमाचल प्रदेश में है भूस्खलन। प्रबल वर्षापाई हिमाचल प्रदेश में है भूस्खलन। लगातार वर्षा लगी रही थी हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन सह बना होता जमापड़े। यही कारण ट्राफिक जाम आरंभ हो बुलवाक जा शह शह जात्री रास्त फसी रही जमाचे। कहुचे मंडी और कुल्लू को संच करुवा जितियों राजपथ ट्राफिक जाम जो हिमाचल प्रदेश में मंडी जिलार अटो निकट में 200 अधिक लोक अटकी रही एकाधिक जात्री कहु। प्रशांत नामक जन जात्री कहते भूस्खलन और बनापी ट्राफिक जाम होबे रास्ता बंद रही है। आम गत सन्धार रास्त फसी रही छु जाम बढ़ा सह एकाधिक गाड़ी अटकी रही। मंडी प्रशासन अधिकारी कहते पुनरुद्धार कार्य चली रास्ता को अपराध कर बड़पड़ा पथर को विस्फोरण कर हटेबा प्रस्तुति आरंभ कर। नंबर 15 लेफ्टिनेंट जनरल समेत 15 सेना अधिकारी बरखास्त कला पाकिस्तान सेना। पाकिस्तान पूर्वतन प्रधानमंत्री इमरान खान गिरफ होगापर गत मे 9 सारा पाकिस्तान हिंसाकांड होता। पाकिस्तान केतक सेना कार्यालय पर भी आक्रमण होता। एवं पाकिस्तान सेना एने कार्यानुष्ठान घोषणा कर आक्रमण को रोकवे विफल होवु पाकिस्तान सेना पर निजर वरिष्ठ अधिकारी कार्यानुष्ठान ग्रहण कर। पाकिस्तान सेना पक्षर समापन कर सांबादिक सम्मेलन में घोषणा कर मोट 15 सेना अधिकारी कार्यानुष्ठानी से चाकरी बहिष्कार कर। अच्छा जन लेफ्टनेंट जनरल 3 मेजर जनरल और 7 जन ब्रिगेडियर सामरिक प्रतिष्ठान गुड़ी को आक्रमण बचाईबार सक्षम हो नार्यानुष्ठानी सांबादिक सम्मेलन में पाकिस्तान सेना मुखपात्र मेजर जनरल मोहम्मद शरीफ चौधरी सूचना देते। केवल चाकरी बहिष्कार नुहे केतक सेनाधिकारी संपर्कों को गिरफ्त कर। आज जून मास 27 तारीख मंगलवार एवं आम जाना 12 राशि संपूर्ण राशिफल। नंबर 1 मेष राशि पाप मध्यस्थ चंद्रजनित विभिन्न कारण को नहीं मानसिक अस्थिरता सृष्टि हो पाए। अवश्य अटकी काम गुड़ी पूरा दमरे निष्पत्ति ने जमिजमा कल कारखाना जल तैल कि विद्युत व्यवस्था लाभवान हे फेर बाटे बंधु अर्थ साहय खुशी हे। नंबर 2 वृष राशि तृतीयस्थ शुक्र हेतु निज संपर्क असहयोग केतक नूतन समस्या सृष्टि हे आदू भल संपर्क ना लोक शुणा कथ को विश्वास कले असुविधा पड़े बंधु निमंत्रण पर हठात दूरजात्रा करने पड़ी पारे शारीरिक असुस्थता हेतु व्यस्तता प्रकाश करी पारंते। नंबर 3 मिथुन राशि किसी साहय सहानुभूति मध्यम अन्य मानक निज सपक्ष में नहीं काम हासिल करेंगे। कर्म क्षेत्र और पारिवारिक क्षेत्र में सतर्क चलतु ना झमेला अधिक बढ़ी जाए। कचेरी मामला क्षेत्र में आशाजनक फल पाइबे जमिजमा बाबत खर्च परिमाण 2 गुणा हो पाए। नंबर 4 कर्कट राशि बुधादित्य चकचनित अर्थनैतिक अभिवृद्धि और वैश्विक सुख समृद्धि मन को खुशी करा सा पुराणा राग सुझेवा सकाशे कहीं जन मिथ्या अभिजोग आनी पारे।
ଅଟନ୍ତି। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନ ଲାଭ କରିବେ ଓ କଳା ସାହିତ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ନମ୍ବର 5 ସିଂହ ରାଶି, ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବିଶେଷ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ହେତୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସକାଶେ ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ପରିସ୍ଥିତି ବଶତଃ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଅଶାନ୍ତ ମନ ପନ୍ଥଙ୍କ ସହ ଆଳାପ ଆଲୋଚନା ପରେ ଶାନ୍ତ ହେବ ଓ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ରହିବ। ନମ୍ବର 6 କନ୍ୟା ରାଶି, ରାଶିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଥିବାରୁ ଯେତେ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ବନ୍ଧୁଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ବ୍ୟତୀତ ଶୁଖିଲା ଅପତା ଶୁଣି ବିରକ୍ତ ହେବେ। ଉପରିସ୍ଥଙ୍କ ଆଲୋଚନା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଖବର ପାଇ ବିସ୍ମିତ ହେବେ। ଅର୍ଥନୈତିକ ପାରିବାରିକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ରହିବ। ନମ୍ବର 7 ତୁଳା ରାଶି, ଥଣ୍ଡା ମିଜାଜରେ କାମଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବାରେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଅବଶ୍ୟ ପାଇବେ। ଅବହେଳାଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ମାତ୍ରାଧିକ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 8 ବିଛା ରାଶି, ଯେତେ ସତର୍କରେ ଚଳିଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ମନକୁ ଅସ୍ଥିର କରିବ। ଭୁଲ ବୁଝାମଣାରୁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହ ବିତର୍କ ଘଟିବ। କଳା ସାହିତ୍ୟ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ସଙ୍ଗୀତ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଆଦୃତ ହେବେ। ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଭା ସମିତିରେ ରାଜନୀତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ଧନୁରାଶି, ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଲଘୁ କ୍ରୋଧ ଓ ଅଭିମାନ କରି ପରିବେଶକୁ ସରଗରମ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଅଭାବ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ମନକୁ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ରଖିବ। ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭଟ୍ଟା ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଯୋଡ଼ିବା ସକାଶେ ପ୍ରଚତନ କରିବେ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଓ ପରିବହନରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ନମ୍ବର 10 ମକର ରାଶି, ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅନୁକମ୍ପା ଅପୂରଣୀୟ କାମନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କରାଇବାରେ ସହାୟ ହେବ। ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବହନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଖରସୀମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟଣା ଅଟରା ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିବେ। ନମ୍ବର 11 କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆଜି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଜନିତ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥି ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜିର କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ସହାୟତା କରିବେ। ପଡ଼ା ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ଉଚିତ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ନମ୍ବର 12 ମୀନ ରାଶି, ଆଜିର ସପ୍ତମ ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥଲାଭ ସାଙ୍ଗକୁ ବାକ୍ ବିଳାସ ପ୍ରଦାନ କରି ଆପ୍ୟାୟିତ କରିବ। ତଥାପି ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ବଶତଃ ଅପରାହ୍ନରେ ଏକ ମାମୁଲି ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିପାରେ। ଆତ୍ମୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବା ହେତୁ ଅସ୍ୱସ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର କାମଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ।